हाल ही में गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें घरेलू काम में मदद करने वाली एक महिला कथित रूप से खाने में यूरिन मिलाते हुए पकड़ी गई। इस घटना को कवर करते हुए कई मीडिया आउटलेट्स ने इसे यूरिन जिहाद का मामला बताया। गौर करें कि अक्सर सोशल मीडिया पर राइट विंग लगभग हर किसी घटना को जिहाद बताते हुए मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हैं। इससे पहले भी लव जिहाद और थूक जिहाद की झूठी थियरियां सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया में चलाई गई थी। इंडिया टीवी ने गाजियाबाद की घटना के बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश की और इसे यूरिन जिहाद की घटना बताया। हिंदुस्तान ने भी बिना मुस्लिम नाम लिए आर्टिकल के थंबनेल में एक ऐसी तस्वीर का इस्तेमाल किया जिसमें खाना बनाने वाले महिला ने हिजाब पहन रखा था। ऑल्ट न्यूज ने इस मामले में छानबीन की तो पाया कि गाजियाबाद की इस घटना में आरोपी महिला मुस्लिम समुदाय से नहीं थी। मामले में छपी इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी महिला का नाम रीना है और रीना अपने मालिक से बदला लेने के लिए इस तरीके से खाने में यूरिन मिलाती थी, क्योंकि पीड़ित परिवार उसके काम पर करीबी नजर बनाए रखता था और कई मौकों पर गलतियां करने पर रीना पर चिल्लाता भी था। ऑल्ट न्यूज ने शहर के ACP से भी बात की, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि घटना में आरोपी और पीड़ित परिवार दोनों ही हिंदू है और इस घटना में कोई कम्युनल एंगल नहीं है। हमें FIR की कॉपी भी मिली, जिसमें पीड़ित महिला का नाम रीना कुमारी बताया गया है और उसके पति का नाम प्रमोद कुमार। यानी गाजियाबाद में परिवार से बदला लेने के लिए हेल्पर के रूप में काम कर रही रीना नामक महिला ने खाने में यूरिन मिलाया था। बहरहाल इस घटना के सामने आते ही इसे गलत सांप्रदायिक एंगल देकर चलाया गया।